इस वक्त आप जहां बैठकर आराम से वीडियो देख रहे हैं, मैं अगर कहूं कि 450 करोड़ साल पहले वो जगह 8500 डिग्री सेल्सियस में उबल रही थी और फिर कभी ये जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप यकीन करें या ना करें, लेकिन ये दोनों ही बात सच है। आज आप इस वीडियो में 450 करोड़ साल के सफर में जाने वाले हैं, इसीलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। ये ब्रह्मांड कैसे बना, इसमें दो तरह का मत है। एक है वैज्ञानिकों का मत और दूसरा है धर्म ग्रंथों का मत। सबसे पहले हम वैज्ञानिकों के मत को जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ब्रह्मांड एक विस्फोट से शुरू हुआ, वो भी एक छोटी सी सिंगल पॉइंट से। पर ये विस्फोट क्यों हुआ और कैसे हुआ, अभी भी ये एक रहस्य है। और इसी विस्फोट को नाम दिया बिग बैंग थ्योरी। जिस जगह हमारी सौरमंडल है, वहाँ विभिन्न प्रकार के गैसेस और धूल के बादल हुआ करते थे, जिस धूल में हाइड्रोजन और हीलियम भरे थे। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में धूल और गैसेस के बादल हुआ करते थे, और इन धूल और गैसेस के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद यह धूल तारे के टुकड़े में दबने लगे। इसी भारी दबाव और गर्मी के कारण बादल और धूल उल्कापिंड और पत्थर में परिवर्तित होने लगे, क्योंकि इनमें रेडियो एक्टिव पदार्थ साथ में हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद थे। और फिर इनमें इसी दबाव के कारण ग्रेविटी का निर्माण हुआ। इसी ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भीषण दबाव के कारण फिर भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट के बीच इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का निर्माण हो चुका था। हाइड्रोजन हीलियम के न्यूक्लियर फ्यूजन से एक और बड़ा विस्फोट हुआ। फिर इसी विस्फोट के कारण हमारा सूरज का जन्म हुआ। ऐसे ही लाखों सालों के अंतर में कई तारे यानी सूरज बन गए। एस्ट्रॉइड सूरज के भारी वजन के वजह से सूरज के करीब आके सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्ट्रॉइड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकुरी, वेनस, मार जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। फिर बना सोलर सिस्टम। अंतरिक्ष में बहुत सारे मैटर मौजूद थे, इस कारण कई सौर मंडल और करोड़ों गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। उसी गैलेक्सीज में एक है मिल्की वे गैलेक्सी। इसी गैलेक्सी में आप कहीं बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय मार और पृथ्वी के बीच एक ग्रह था, जिसका नाम था थिथिया। वह भी सूरज की परिक्रमा किया करता था, पर पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के कारण पृथ्वी के चारों ओर कई एस्ट्रॉइड परिक्रमा करने लगे थे। पृथ्वी की हाई ग्रेविटी की वजह से हजारों सालों तक ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर गिरते रहे, और ये धमाका कई सालों तक चलता रहा। यही प्रक्रिया पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा, और करीब आने के बाद टकराया। इस टकराव की वजह से पृथ्वी का एक हिस्सा छोटे छोटे कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गया। पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से यह सारी कणे पृथ्वी के चारों ओर रिंग की तरह परिक्रमा करने लगे, जैसे शनि ग्रह की रिंग होती है। फिर ग्रेविटी के कारण ये सारे एस्ट्रॉइड एक हो गए और चांद का निर्माण हुआ। चांद से पहले ना पृथ्वी का अपना एक्सिस था, ना कोई जलवायु। चांद के कारण पृथ्वी में अनेक परिवर्तन हुआ। उस वक्त पृथ्वी में सिर्फ एक समुद्र था, और वह 1900 डिग्री सेल्सियस में उबल रहा था। उबल रही थी वो सारी चीजें जिसे आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए। हल्के पदार्थ पृथ्वी के सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंड की बरसात हुई, और गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, पानी और मिनरल्स। सालों तक उल्कापिंड की बरसात होती रही। धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपरी सतह बिल्कुल पानी में डूबने लगा। वैज्ञानिकों के अगर माने, ये वही वक्त था जिसमें पानी के अंदर सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ। फिर ऐसा एक समय आया जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी थी। हमारी पृथ्वी की सेंटर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने के कारण हर दम गर्म होती रहती है,
पर जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तो पृथ्वी के अंदर रहे गर्म पदार्थ बाहर निकल नहीं पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ, में हजारों के तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और अगले लाखों सालों तक ऐसी ज्वालामुखी निकलते रहे, जिसके कारण पृथ्वी के सतह पर पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हुआ। और पृथ्वी के सतह पर कोई एटमॉस्फेयर ना होने के कारण लगातार उल्का पिंडों की टकराव हो रही थी। पृथ्वी पर ऐसा समय आया जब पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा और ज्वालामुखी का गिरना कम होने लगा। और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे हुआ करता था। साल पे साल बीतता गया और धीरे धीरे सूक्ष्म जीव विकसित होते गए। आज से करीब 250 करोड़ साल पहले ऐसे जीवन का निर्माण हुआ जो खाने के लिए समुद्र से मिनरल और पानी इस्तेमाल किया करते थे और मल त्याग में ऑक्सीजन निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी में ज्वालामुखी निकलना लगभग बंद हो चुका था। माइक्रो बैक्टीरिया का निर्माण ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा रही थी और ऑक्सीजन के बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल होना शुरू हो चुका था। ऑक्सीजन की मात्रा भारी मात्रा में बढ़ने के कारण सूक्ष्म जीव पृथ्वी में चारों ओर फैलने लगे। वक्त बीतने के साथ साथ धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण जमीन के अंदर की लावा लाखों साल तक धरती के बाहर उबलता रहा। यही वो कारण था जिसकी वजह से पृथ्वी का वातावरण में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा होना शुरू हो गया। इस एसिड की वर्षा की वजह से पृथ्वी का तापमान कम हो गया, पृथ्वी पर आइस एज की शुरुआत हो गई। कुछ वक्त के बाद पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आम तौर पर जब भी सूरज की किरण जमीन पर पड़ती है तो सूरज की किरण को जमीन सोख लेती है, और क्योंकि पृथ्वी पूरी तरीके से बर्फ से ढक चुकी थी, बर्फ चमकीले होते हैं, इसीलिए सूरज की किरण धरती पर गिरने के बाद फिर से वापस चली जाती थी। इसीलिए पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, पर कुछ सालों के बाद फिर से सेंटर में रेडियो एक्टिव पदार्थ होने के कारण लावा के रूप में बाहर आने लगे। फिर ज्वालामुखियों ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इस बीच गहराइयों में बसे कुछ सूक्ष्म जीव और वह ऑक्सीजन को अपने शरीर को बदला और जटिल बनाने में इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसी प्रक्रिया फिर हजारों सालों तक चलती रही। फिर समुद्री जीव अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालने लगे। सूक्ष्म जीव समुद्री जीव में परिवर्तित हो चुके थे। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और सारे सूक्ष्म जीव वातावरण के अनुसार ढलने लगे और एसिड की वर्षा कम होने लगी। ज्वालामुखी बाहर निकलना भी कम होने लगा। पृथ्वी में भरपूर ऑक्सीजन रहने के वजह से पृथ्वी की ओजोन की लेयर मोटी होने लगी। और आज से करीब 47 करोड़ साल पहले पेड़ उगने शुरू हुए। फिर पेड़ की साइज धीरे धीरे इतने बड़े होने लगे कि 80 से 90 फीट के होने लगे। जो समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकलने लगे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित होने लगे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठे होने लगे, जिसको हम पांजिया महाद्वीप जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर हो गया था। दिन करीब 21 से 23 घंटे हुआ करता था। धीरे धीरे यह जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाना शुरू कर दिया, उनका शरीर विशाल और लंबा होने लगा, पर जिन्होंने शिकार किया वो फुर्तीले और आकार में छोटे हुआ करते थे। पृथ्वी की ज्यादातर जमीन इकट्ठा होने के कारण बहुत सारे रेगिस्तान हुआ करती थी और जंगल सिर्फ पानी के समुन्दर के करीब ही हुआ करता था, जहाँ पर डायनासोर रहा करते थे। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले पांजिया महाद्वीप विभाजित होना शुरू हो गया। पांजिया विभाजित होने के कारण पृथ्वी की ज्यादातर जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके वजह से हरियाली बढ़ती रही और फलस्वरूप डायनासोर की संख्या अभी अधिक बढ़ती गई। डायनासोर ने आने वाले 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर पृथ्वी जमीन से लेकर समुद्र आसमान तक पूरी जगह राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से भारत का टेक्टोनिक प्लेट टूटकर तिब्बत की प्लेट से टकराया। इस टकराव की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सतह पर आज के
माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, करीब 4.5 लाख करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा एक उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर की स्पीड प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की सतह पर टकराया। पृथ्वी की सतह को छूते ही पृथ्वी में भयंकर आग लग गई। अगर वैज्ञानिकों की माने तो तब की ऊर्जा 10 करोड़ एटम बम एक साथ फटने की बराबर थी। जहां यह उल्का पिंड गिरा वहां पेड़ और जानवर भाप बनकर मर गए। फिर पृथ्वी पर पूरी तरीके से धूल फैलने लगी और समुद्र में बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ घंटों में पृथ्वी विषाक्त गैस और हानिकारक तत्वों की वजह से नर्क के समान हो गई थी। डायनासोर घुटन आग और भूखमरी की वजह से पूरी तरीके से धरती से विलुप्त हो गए। पर इस वक्त हमारे जो पूर्वज थे वह जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वह इस विशाल भूकंप से बच गए। पृथ्वी के वातावरण पूरी तरीके से काला और अंधेरा हो चुका था, जिसके कारण धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो चुके थे। पृथ्वी में इस वक्त गैस और हानिकारक तत्वों की वजह से फिर से एसिड की बरसात शुरू हो गई। फिर से पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक चुकी थी। मगर इस बार पृथ्वी पर यह बर्फ लाखों सालों तक नहीं, सिर्फ 80,000 से 90,000 सालों के बाद बर्फ पिघलने शुरू हो गई। जैसे ही वातावरण धरती पर पहले जैसा होने लगा, वैसे ही छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू करने लगे। अफ्रीका में घने जंगल की शुरुआत होने लगी। फिर जैसे जैसे यह जमीन गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। जंगलों के बंदरों में खाने की कमी होने लगी। फिर खाने की तलाश में इन बंदरों ने दूसरे जगह की तलाश में जुट गए। फिर यह बंदर एप में परिवर्तित हो गए और यह अपनी जगह की वातावरण के अनुसार इनके रंग रूप में परिवर्तन होने लगे। फिर इन्होंने आग चलाना सीखा, फिर हथियार भी बनाना सीखा। फिर इन्होंने सिविलाइजेशन का गठन किया। फिर यह विकसित होने लगे, यह आदिवासियों बनकर रहने लगे। फिर धीरे धीरे हम जैसे इंसान के रूप में विकसित हुए। फिर हमने धर्म से लेकर भाषा, संस्कार, संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए। आज हम पृथ्वी के सबसे विकसित प्रजाति हैं। पृथ्वी को ऐसे होने में लगभग 450 करोड़ साल लग गए और हमें एक समुद्री जीव से इंसान बनने में कई लाखों सालों के समय लग गया। मगर हमने बस इस 100 साल के अंदर इस पृथ्वी को जितना तबाह और जितना बर्बाद किया है, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम फिर से धरती को गर्म कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों की मानना है कि पृथ्वी पर फिर से एक विशाल परिवर्तन होने वाला है। पर दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी में भी बहुत सारी गलतियां हैं। हम उस गलती को गिनना शुरू करेंगे तो पूरा एक वीडियो बन जाएगा। इसीलिए हमें एक बार हमारी धर्म ग्रंथों पर भी नजर डालनी चाहिए। आखिर हमारे धर्म ग्रंथों में ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, जो कि 10,000 साल से भी पहले लिखा जा चुका है। दोस्तों, जब वैज्ञानिक यह कहते थे कि एक ही ब्रह्मांड है, उसके बाद और कुछ भी नहीं, तब हमारे धर्म ग्रंथों में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि एक नहीं, सहस्र अनंत ब्रह्मांड है और उन अनंत ब्रह्मांड में अनंत गैलेक्सीज हैं और गैलेक्सीज में करोड़ों सोलर सिस्टम हैं और करोड़ों ग्रह नक्षत्र रहते हैं। आइए जानते हैं। फिर वैज्ञानिक ने जब यह धर्म ग्रंथ पढ़ा, अचंभित होके रह गए। और जब उन्होंने फिर से साइंटिफिक एनालिसिस की तो उन्हें यह पता चला कि धर्म ग्रंथों पर भी लिखा है वह एकदम सही है। सच में एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड इस सृष्टि में निर्माण हो चुके हैं। यह दिन भर दिन फैलते ही जा रहे हैं। ये धर्म ग्रंथों में ब्रह्मांड की शुरुआत यानी निर्माण के बारे में क्या क्या लिखा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें विष्णु पुराण की, क्योंकि विष्णु पुराण में ही ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण में बताया गया है हमारे ब्रह्मांड का निर्माण यानी ब्रह्मा का जन्म होता है। यहाँ पर ब्रह्मांड का मतलब ही ब्रह्मा है और भगवान महाविष्णु, जिनके नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है, वह भगवान महाविष्णु इस भौतिक संसार के नहीं है, वह समय से परे हैं।
उनका जन्म है ना मृत्यु, जो अनादि है। उन्हीं की नाभि से एक कमल निकला जिसमें ब्रह्मा जी थे, यही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। इस तरह ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी का जीवन 100 साल का होता है। उनके एक साल में 360 दिन होते हैं। उनके एक दिन में 2 कल्प होते हैं, यानी एक दिन का और एक रात का कल्प होता है। उनके एक कल्प में 14 मनु अवतार होते हैं और एक मनु अवतार में 71 महायुग होते हैं। एक महायुग में 4 युग होते हैं। तो आप यह समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होता है इनका एक वर्ष। यह हमारे एक वर्ष के समान नहीं है, ये दिव्य वर्ष होते हैं। हम हमारे समय गणना में इसको नहीं नाप सकते। अगर हम अपने समय गणना के अनुसार कैलकुलेट करें तो ब्रह्मा जी का जीवन 311 ट्रिलियन ईयर के समान है। और यह भी लिखा गया है कि उनके दिन का जो कल्प होता है उसमें निर्माण कार्य होता है, जो रात का कल्प होता है वह महाप्रलय का समय कहा गया है, उसमें सिर्फ विनाश और प्रलय के कार्य होते हैं। जब अगले दिन का कल्प आता है उसमें फिर से निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिक भी हैरान है कि कैसे एक सिंगुलरिटी से बिग बैंग होकर इस ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। पर हमारे धर्म ग्रंथों में ये कहा गया है कि सिंगुलरिटी का मतलब विष्णु नाभि है। विष्णु नाभि ही सिंगुलरिटी है और कुछ भी नहीं। तो महाविष्णु ही ब्रह्मांड के निर्माता हैं और उसी में से स्पेस, टाइम और मैटर निकलता है जिससे इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है। दोस्तों, ये तो रहा विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मांड कैसे निर्माण हुआ। अगले वीडियो में हम जानेंगे वेदों के अनुसार ब्रह्मांड कैसे एक के बाद एक निर्माण हुआ, पूरा डिटेल में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए मधुस्मिता को। मिलते हैं एक और ज्ञान वर्धक वीडियो में। सी यू अगेन।